दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी। लॉकडाउन के बीच दो महीने से सुंदरनगर में फंसे पश्चिम बंगाल के चार सदस्यों का हालचाल पूछने के लिए डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह रविवार को उनके पास पहुंचे। सुंदरनगर के प्रकाश चंद बंसल व पूरे परिवार ने इस महासंकट के दौर में कोलकाता के चार सदस्यों को 4 मई से लेकर अब तक अपने घर में न केवल आश्रय दिया है बल्कि उन्हें अपने परिवार में जगह देते हुए वहां के पकवानों के स्वाद से भी रूबरू हो रहे हैं। यहां पहुंचे डीएसपी ने कोलकाता के परिवार द्वारा बनाए गए पकवान को भी चखा और पकवान की प्रशंसा भी की। कोलकाता का परिवार घर जाने के लिए सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर चुका है लेकिन पश्चिम बंगाल में समुद्री तूफान के कारण बार बार उनके रेल व हवाई यात्रा के टिकट कैंसिल हो रहे हैं। डीएसपी ने कोलकाता के परिवार के साथ हिमाचल व पश्चिम बंगाल के भौगोलिक व खान पान की अलग अलग व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की। उसके में हमको अच्छा नहीं लगा तो उधर पंजाबी फूड कोर्ट में था, उधर किराया देना पड़ता था तो उधर उधर का जो जो स्टाफ है उसका आग मुंह अच्छा हमको अच्छा नहीं लगा है। तो हम सर को फोन किया, सर हमारा लास्ट ऑप्शन हमारे पास आप ही है। तो सर का पिताजी सर मिला के मिलके दोनों दो गाड़ी लेके हमको वहीं से यहीं ले आया। जब से यही ले आया यहीं पे ले आया एकदम हमारा पूरा घर का तरह है। खुद बनाते हैं? हाँ हाँ, उधर नीचे से भेज देता है खाना बना के, बढ़िया खाना बनाते भेज देता है। यहाँ का खाना तो आपको पसंद कम आएगा? नहीं बात हो नहीं है, तो दाल तो बंगाली लोग खाते हैं लेकिन हम लोग का हाँ, जब एक अलग अलग तरीका है, कहीं मिर्च ज्यादा कहीं नमक ज्यादा। हाँ, 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 हम कुछ और खाएंगे या कुछ खाएंगे। हम भी जाते थे बहुत जाते थे बाहर खेलने के लिए ना, तो प्रॉब्लम होता है खाने का मेरे। हम भी चावल वाला दुकान कहाँ है, फिर वो चपाती कहाँ बनाएगा, एक आधा मिलता था वो भी अच्छा। हम बाहर में घूम घूम के हमको वो ये हो गया तो हमको कुछ होता नहीं। हाँ दो जगह गया था, हम वहीं से मना लेता है। और हम लोग चार आदमी हर साल एक बार तो दो बार तो हम घूमते कभी इधर कभी उधर। ज्यादा हम उड़ीसा का पुरी है वहीं पे ज्यादा जाते हैं, वहीं से 650 किलोमीटर है कलकत्ता से 600 किलोमीटर। तो मैं सुमनदार है वहीं पे हम रूम किराया लेता है और खाने का सामान वो भी किराया लेता है, गैस खुद ही सब सर। हाँ हम लेके खाना बना के खाना बना के अपना खाना बना के खाना नहीं खाता है, बना के खाते हैं। वो उस जगह में जो आदमी जैसा बना के ही खाता है। और इधर जब से आया है सर के घर में ही खाना बना लेता है। जिस दिन हम आया था उस दिन सर का घर में खाया था, दो डे भी खाया था, उसके बाद हम खाना बनाए। तो वो हर समय चावल दाल तेल आटा मैदा जो भी है सभी सर के हम बना लेते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए डहर से गगन शर्मा की रिपोर्ट। अरे ये क्या कर रही हो? क्यों क्या हुआ? अरे इस प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को संभाल कर रखो, 75 रुपए किलो बिकता है ये। 10 रुपए किलो बिकने वाली रद्दी को बड़ी संभालती हो। अब प्लास्टिक कोई कचरा नहीं है, इसे बेचें, पैसा कमाएं और प्लास्टिक प्रदूषण से राहत पाएं। राज्य के स्थानीय शहरी निकायों में स्थापित प्लास्टिक कचरा खरीद केंद्रों में रिसाइकल न हो सकने वाले ब्रेड, केक, बिस्किट, कुकीज, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, वेफर्स, कैंडीज, नूडल्स की पैकेजिंग प्लास्टिक के कचरे तथा विभिन्न प्रकार की तरल सामग्री जैसे दूध, तेल, शैम्पू, हैंड वॉश, लस्सी, दही, जूस इत्यादि को साफ व सूखे पैकेजिंग प्लास्टिक का कचरा बेचा जा सकता है। चल पड़ी है ये लहर, हर गाँव हर शहर प्लास्टिक कचरे से प्रदेश को मुक्त कराना है। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी।